उधर से चलो जी। आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार आधी रात को सुनसान जंगल में से होकर भागे चले जा रहे हैं। आखिर इनके पीछे कौन लगा हुआ है जिससे डर कर ये लोग भागे चले जा रहे हैं? ये सब बातें जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। कहानी है कौन सी जमीन अपनी, अमेरिका में रहने वाली हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सुधा ओम ढींगरा द्वारा लिखी गई है। तो आइए चलते हैं इस कहानी के सफर पर। ओए पुत्र, मैंने अपना बुढ़ापा यहां नहीं काटना। मुझे तो पंजाब के खेतों में अपनी आखिरी सांसें लेनी है। एनफ इज एनफ। आप लोग अपने लिए कुछ भी नहीं सहज रहे हो, बस पिंडविच जमीनों पे जमीनें खरीदते जा रहे हैं। ओए पुत्रा, तूने और तेरी बहन ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिता है। अमेरिका में मेरी मेहनत सफल कर दिता है। डॉक्टर बन गया है और तेरी बहन वकील, और मुझे की चाहिए था? बट पापा जी लिसन, आप अपने और बेबी के लिए घर क्यों नहीं बनवा लेते? सारी उम्र तो ये दो बेडरूम वाले टाउन हाउस में गुजार दी। कल को हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, आप लोगों से मिलने आएंगे तो वो कहाँ खेलेंगे? आपको तो बस इंडिया से कॉल आया नहीं कि चेक भरकर भेज दिया उनको। ओए पुत्र, मैं पंजाब के खेतों में एक बड़ा सा बंगला बनवाऊंगा, और जब हम यहां आएंगे तो तेरे पास या तेरी बहन के पास रहेंगे। और पुत्र, और फिर मैं किसी गैर को पैसे थोड़ी दे रहा हूं, तेरे चाचा को ही तो भेज रहा हूं ना। हाँ पर पापा जी, आप किस चाचा की बात कर रहे हैं? किस चाचा की? जो कॉल करके एक बारी भी आप लोग के हालचाल के बारे में नहीं पूछते, जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तुरंत कॉल कर लेते हैं। बेबे, ये नहीं बदलने वाले कभी। अरे पारे पुत्रा, पुत्र तो सुन तो सही। सिंह साहब, थोड़ा सा घर के खर्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, मगर उनके अपने भी तो खर्चे हैं। चार चार कारों की किश्तें जा रही हैं। अरे क्या करेंगे इतनी जमीनें खरीद कर? अरे सुनिए सुनिए, जाटों की पहचान जमीनों से होंदी है। ये पहचान कहीं तो खत्म हो। इतने सालों से आपके घर वाले इंडिया में जमीन ही तो खरीद रहे हैं, कभी ये जमीन खरीद लो कभी वो जमीन खरीद लो, पैसे का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। बस यही होता, जैसे ही मनविंदर का पारा चढ़ते देखता मनजीत सिंह सोडी घर से बाहर दौड़ लगाने के लिए निकल जाता। मगर अगले ही दिन दारजी के नाम पंजाब नेशनल बैंक में एक चेक भेज देता था। जैसे ही दारजी और बेजी की चिट्ठी आती, मनजीत सिंह सोडी नवा शहर पंजाब में अपने भाइयों को जमीनें खरीदने के लिए पैसे भेज देता था। मनविंदर तड़प कर रह जाती क्योंकि समझाने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती थी, वो बेबस हो जाती थी, बस रोकर रह जाती थी। रोई तो वो तब भी थी जब 30 साल पहले मनजीत सिंह सोडी से शादी करके आई थी। हालांकि उसका पूरा परिवार अमेरिका में रहता था, फिर भी वो रोई थी।
दादा दादी को छोड़ते समय मनविंदर के दो भाई युबा सिटी कैलिफोर्निया के खेतों में काम करते थे। वे नाजायज तरीके से अमेरिका आए थे, लेकिन मैक्सिकन लड़कियों से शादी कर जायज हो गए थे, यानी ग्रीन कार्ड होल्डर, और 5 साल बाद अमेरिकन सिटीजन बनकर उन्होंने अपने पूरे परिवार को अमेरिका बुला लिया था। तब इमिग्रेशन के कायदे कानून इतने सख्त नहीं थे जितने अब हैं। 6 फुट लंबी, कसरती, सुगठित, गोरे सुंदर सिख मनजीत सिंह सोडी को दादा दादी ने ही तो पसंद किया था। माँ बाप और 2 छोटे भाई थे उसके। गरीब घर के लड़के को जानबूझकर पसंद किया गया था ताकि मनविंदर की कद्र हो सके। नौजवान मनजीत आंसू बहाता हुआ मनविंदर के साथ अमेरिका आ गया था। मनजीत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और मनविंदर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके भाइयों की तरह खेतों में काम करे। इसलिए शादी से पहले ही अपने भाइयों को समझाकर बैंक में अग्रिम राशि डाउन पेमेंट के रूप में दिलवा दी थी और गैस स्टेशन का लोन लेकर कैरी यानी नॉर्थ कैरोलाइना में गैस स्टेशन खरीद लिया। शादी के बाद वे सीधे भारत से कैरी ही तो आए थे। जब तक मनजीत को ग्रीन कार्ड नहीं मिला, मनविंदर उस गैस स्टेशन के बिजनेस में मुख्य भूमिका में रही। बाद में मनजीत उस गैस स्टेशन का मालिक हो गया। मनविंदर सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। गैस स्टेशन मनजीत के हवाले करके उसने उसी समय अमरीकी दुल्हनों के कपड़े सिलने की दुकान शुरू कर दी, जो बाद में वेडिंग गाउन बुटीक बन गया। बुटीक चल पड़ा और मनविंदर के साथ वहां 20 लोग काम करने लगे, जिनमें से कुछ भारतीय थे तो कुछ लोकल अमेरिकन थे। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव के कारण मनजीत सिंह शहर के सब लोगों में लोकप्रिय हो गया। तब वहां गिने चुने ही भारतीय थे, अब तो चारों तरफ भारतीय ही नजर आते हैं। लोग उन्हें प्यार से वीर जी और मनविंदर को भाभी जी कहने लगे थे। तब से अब तक मनजीत का सिर्फ एक ही सपना रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बुढ़ापा तो भारत में ही बिताना है। मनजीत के इस सपने के आगे मनविंदर मजबूर हो चुकी थी। उम्र के इस मुकाम पर वो भारत नहीं जाना चाहती थी। ये देश उसे अपना सा लगने लगा था। उसका पूरा परिवार यहां अमेरिका में फैला हुआ था। साथ साथ फले फूले वे दोस्त, सालों पहले बने वे रिश्ते समय के साथ और गहरे हो गए थे। सब कुछ छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। ये रिश्ते जन्मों से मिले रिश्तों से कहीं गहरे हो चुके थे। जीवन की कड़कती धूप, बरसात और ठंडक ने उन्हें और पका दिया था। भारत के रिश्तों के लिए तो वे सिर्फ मेहमान बनकर रह गए थे। जो साल या 2 साल में उन्हें अपने पन या रिश्तेदार होने का एहसास दिलाती थी। मनजीत आज भी 30 साल पुराने संबंधों में जी रहा था। समय के साथ भी रिश्तों को लेकर उसकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया था। मनजीत को समझाना मनविंदर के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो हर समय तनाव में रहने लगी। बच्चों ने भी अपनी पसंद से शादियां करवा ली। मनविंदर को लगा शायद अब मनजीत के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए। घर में बहू और दामाद आ गए हैं, लेकिन मनजीत अपने आप को सभी जिम्मेदारियों से आजाद समझने लगा। सुखद कल्पनाओं और भारत लौटने की चाह में वो दिन गिनने लगा। अंततः वो दिन भी आ गया। मनजीत को गैस स्टेशन खरीदने वाला मिल ही गया। खरीदने वाली पार्टी ऐसी थी कि उसने उनका बुटीक भी खरीद लिया। बस अब जल्दी जल्दी घर का सारा सामान गैराज सेल में रखा गया। कुछ सामान बच्चे ले गए और जो नहीं बिका वियतनाम वेटरन्स वाले अपने ट्रक में उठाकर ले गए। अब मनजीत को अमेरिका में दिन काटने मुश्किल हो रहे थे और मनविंदर उदास परेशान रहने लगी। उसके सर में हमेशा दर्द रहने लगा। बात बात पे झगड़ना उसकी दिनचर्या हो गई थी। लेकिन मनजीत की दृढ़ता के आगे भारत जाने का वो खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही थी। बस चुपचाप शांत
मशीन की तरह सारे काम किए जा रही थी। वाह, इन पैसों को जल्द से जल्द इंडिया भेज देता हूं ताकि वो जल्द से जल्द काम शुरू कर दे। खबरदार सरदार जी, अगर इन पैसों की तरफ देखा भी तो मैं कल ही बैंक में जाके इसकी सीडी करवा दूंगी। अरे अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन। अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब हमें अमेरिका थोड़ी वापस आना है। गए सो गए, फिर पलट कर क्या आना। अच्छा, बच्चों से मिलने नहीं आएंगे? पोते पोतियों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए क्या बच्चों के सामने हाथ फैलाएंगे? अरे सुनिए 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 सुनिए, अब अपने रांझा की बात तो सुन। अब इन पैसों की बच्चों को क्या जरूरत है ना? डॉक्टर और वकील पर तो रब की मेहर होती है ना? और रही बात गिफ्ट की, वो तो हम पंजाब से खरीद कर लाएंगे। अच्छा, तो इन पैसों की जरूरत पंजाब में है, जहाँ पे जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, सुन तो सही। अब मान भी जा, भेज देने दे पैसे। अगर आप ऐसी जिद पे अड़े रहे तो आप अकेले ही जाना भारत, मैं यहाँ अमेरिका में ही रहूंगी। ठीक है। मनविंदर के गुस्से को देखकर मंजीत ढीला पड़ गया। वो मनविंदर के स्वभाव के बारे में अच्छे से जानता था। वो जानता था कि मनविंदर कभी बिना कारण गुस्सा नहीं करती, और अगर उसने एक बार फैसला ले लिया तो उसे मनाना आसान भी नहीं। भारत लौटने के दिन गिनता हुआ मंजीत मन ही मन में पंजाब घूमता रहता। एक ओंकार सपना। तीनों भाई गन्ने के खेतों में घूमते और दार जी गन्ने के रस से गर्मा गर्म गुड़ की भेली बनाते, और उस गुड़ को तीनों भाई सूखी रोटी में बड़े प्यार से खाते। गुड़ में एक चम्मच देसी घी डलवाने के लिए मंजीत जिद करता। छोटे भाई बिलबिला कर पैर पटक पटक कर बेजी के आगे अपनी कटोरियां करते। ऐसे में बेजी बड़ी समझदारी से बड़े प्यार से उन्हें सहलाती और समझाती, मंजीता मेरा जेठा पुत्तर है, इसने वड्डा होके सानू समनू संभालना है, इसलिए इसनू ताकत दी ज्यादा जरूरत है। और दोनों छोटों की कटोरी में आधा आधा चम्मच घी डाल देती। सरसों का साग और मकई की रोटी परोसते समय भी बेजी चाटी में हाथ डालकर मुट्ठी भर मक्खन मंजीत के साग पर डाल देती, और लस्सी के छन्ने को भी मक्खन से भर देती। नींद में भी मंजीत गांव वाले घर पहुंच जाता। आधुनिक सुविधाओं वाला पक्का घर, ट्रैक्टर, घर में काम करने के लिए मजदूर, और बेजी का बार बार मंजीत का माथा चूमना, छोटू का गले लगना और साथ सटकर बैठना, दारजी का अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गर्दन अकड़ा कर अपने दोस्तों को सुनाना, पुत्तर होवे ता मंजीते वर्गा, अमेरिका जाके भी यहाँ सानू नहीं भूलिया, सड्डा पेट भर गया पर यहाँ डॉलर बेचता नहीं थकिया, अरे जमीना जट्टा दा स्वाभिमान हुंदा है, और मेरे पुत्तर ने मेरा मान रखिया। सुबह मंजीत तरोताजा उठता और सारा दिन यही सोचकर खुश रहता कि इतना प्यार करने वाले परिवार में बुढ़ापा कितना बढ़िया गुजरेगा। यहाँ बेटा बेटी तो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं, कभी सोचता जमीनों के दो चार टुकड़े बेचकर गांव का स्कूल ठीक करवा दूंगा, दीवारें काफी खराब हो गई हैं, काफी कमजोर हो गई हैं, कुछ कंप्यूटर भी ला दूंगा, वहां गांव के बच्चों को पढ़ाई की सख्त जरूरत है, अगर वो भी पढ़ा लिखा होता तो यहाँ अमेरिका में उसे इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो भी डॉक्टर साइंटिस्ट इंजीनियर बनकर अच्छा जीवन जीता,
वहीं मनविंदर कई दिनों से गुमसुम थी। मतलब की बात करती, जितना बोला जाता उतना ही बोलती, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। टाउन हाउस को बेचा नहीं गया, बच्चों ने जिद करके बड़े तर्क के साथ कि यहाँ हमारा बचपना बीता है, इससे हमारी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। फिलहाल टाउन हाउस को रेंट पर चढ़ा दिया गया था। सामान के पैकिंग और किराएदार को सौंपने से मनविंदर बहुत थक गई थी। मंजीत भारत लौटने की बात से ही उत्साहित था। 2 दिन बाद की वापसी है और उसका वहां एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। उसका मन पंजाब की खेतों की मेढ़ों में झूम रहा था और शरीर यहाँ अमेरिका में। पंजाबी समाज और कुछ दोस्तों ने उन्हें विदाई की पार्टी भी दी, पर मंजीत ने तो सिर्फ औपचारिकता ही निभाई। उसका मन तो यहाँ अमेरिका से उचट चुका था। कैरे से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से दिल्ली तक का सफर उसने एयर इंडिया के जहाज में सोकर या फिल्म देख कर काटा। मनविंदर भी थकी हुई थी और उदास भी, इसलिए वो भी सो गई। दोनों की आपस में कोई खास बातचीत नहीं हुई। मंजीत के पास तो मनविंदर की तरफ ध्यान देने का समय ही कहाँ था। वो तो भारत जाने के सुरूर में इतना मस्त था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मनविंदर किस तकलीफ से गुजर रही है। वो फिल्म देखकर सो गया। कुछ देर बाद मनविंदर को प्यास लगी और उसकी आंखें खुल गई। उसने एयर हॉस्टेस से पानी मंगवाया और साथ की सीट पर बच्चों की तरह बेखबर सोए मंजीत को अपलक निहारती रही। इसके प्यार की खातिर वो गृहस्थी की तकली पर सुतती रही, पर कभी उफ तक नहीं की। अब तो उसकी भावनाएं ही अटेरनी पर चढ़ गई हैं, वो बस अटेरी जा रही है और इस आदमी को खबर भी नहीं। आदमी अपनी धुन में इतना बेखबर कैसे हो सकता है? जिससे प्यार करता है उसकी अग्नि परीक्षा लेते हुए उसका दिल क्यों नहीं दुखता? दादी कहती थी, आदमियों की जिद बच्चों से होती है, औरतें उन्हें प्यार से मना लेती हैं, पर यहां तो प्यार गुस्सा कुछ काम नहीं आया। सोच ने मनविंदर का सर भारी कर दिया। थकान शरीर को ढीला करने लगी, नींद हावी हो गई। उसने सिरहाना उठाया, जहाज की खिड़की से टिकाया, पैरों को छाती से लगाकर कुर्सी पर गठरी सी बनकर सिरहाने पर टेक लगाकर कंबल ओढ़कर सो गई। जैसे ही जहाज ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रनवे छुआ, मंजीत की आंखों में आंसू आ गए। 30 वर्षों की कैद से छूटकर आ रहा हूं, कहते हुए नैपकिन से उसने आंसू पोंछ लिए। मनविंदर खिड़की से बाहर एयरपोर्ट की चहल पहल देखती रही। कस्टम की औपचारिकता पूरी करने के बाद जब सरदार मनजीत सिंह और बीबी मनविंदर कौर एयरपोर्ट से बाहर निकले, तब भतीजों ने फतेह बुलाकर स्वागत किया। मनजीत बाग बाग हो गया। 2 भतीजे वैन लेकर आए थे, क्योंकि दिल्ली से नवा शहर जाने में 5 घंटे लगने हैं। घर पहुंचती बेजी ने आशीर्वादों के साथ दोनों के माथे चूम लिए। सड़िया जी,
घर के ऊपरी मंजिल पर एक कमरा खाली करके उनका सामान वहीं रख दिया गया। जल्दी जल्दी खाना खिलाया गया। रसोई भतीजों की पत्नियों के हवाले थी, जो काम को जल्दी जल्दी समेटने और निपटाने में लगी हुई थी। उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आधी रात में मनविंदर वॉशरूम जाने के लिए जब नीचे गई तो मंजीत भी उसके साथ गया, क्योंकि ऊपर कोई वॉशरूम नहीं था। नई जगह और घना अंधेरा था और वो जानता था कि मनविंदर अंधेरे से बहुत डरती है। उसने मनविंदर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओए मेरी हीरे, कुछ दिन और तकलीफ सह ले, मैं तुझे इससे बड़ा और अच्छा घर बनवा के दूंगा। तूने बहुत साल इंतजार किया है। मनविंदर ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और चुप रह गई। दूसरे दिन मंजीत भाई भतीजों के साथ खेतों में चला गया, गांव और आसपास की अपनी जमीनें देखने। ये है अपने देश का सुख। पर ताया जी तो कहंदी सी भारत किन्ने भी तरक्की कर लेवे, एथे दी सड़कां कदी नहीं ठीक होंगी। एथे पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। ओ पुत्र, अपने देश की धूल मिट्टी का सुख ही अलग है। 30 सालों में गोरों की धरती पर मिट्टी का ये सुख नहीं मिला। ताया जी, उत्थे बिल्कुल धूल नहीं होंदी, कैसे इतनी सफाई रख लेते हैं? ओ पुत्र, अमेरिका बड़ी प्लानिंग विच बना है। अरे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और जो खाली जगह है उन्हें भी पेड़ और फूलों से भर देते हैं ताकि धूल ना उड़े। पर ताया जी, सरकारी मरम्मता करते टाइम, बिल्डिंग बनाते टाइम धूल और मिट्टियां तो उड़ती होंगी। अरे नहीं पुत्र, नहीं, उनके काम करने का ढंग बहुत अलग है। एक बड़ा ट्रक सारा बिखरा सामान उठा के ले जाता है, फिर दूसरा ट्रक पानी दे भरा हुआ बाकी सब सफाई कर जाता है। तुसी तो स्वर्ग विच रहंदे हो। अरे नहीं पुत्रा, स्वर्ग नहीं, नरक है। अमेरिका भी सब बेरंगी बेढंगापन है, और अपनी धरती में सच्चाई है, रस है अपने देश में, है कि नहीं? मनविंदर अपनी बहुओं के साथ रसोई में जाने लगी। बेजी ने टोका, रहन दे मन्नी, कुछ दिन ता आराम कर ले, करन दे इन्नानू काम। बेजी प्यार से मनविंदर को मन्नी कहती थी। बेजी, मैं खाली नहीं बैठ सकती, साथ काम करवा देती हूँ, जल्दी निपट जाएगा, कहकर मनविंदर रसोई में चली गई। मनविंदर रसोई में गई तो एक एक करके सब बहुएं वहां से खिसक गईं। कोई कपड़े धोने के बहाने से तो कोई कपड़े सुखाने के बहाने से। मनविंदर अकेली ही रसोई में काम करती रही। उसे तो हर तरह के काम की आदत थी। अमेरिका में धोबी बावर्ची वो खुद ही तो थी। उसे हैरानी तो सिर्फ इस बात की हुई कि उसकी एक भी देवरानी उसका हाथ बटाने नहीं आई। एक सर में तेल लगाती रही तो दूजी बेजी की मालिश करती रही। सुबह के निकले आदमी जब दोपहर को थके हारे घर वापस आए तो मनविंदर ने बड़े प्यार से सबको खाना खिलाया। वाह गुरजार जी, बीजी दी रसोई याद आ गई। सच गल करूं, आपकी देवरानी किसी काम दी नहीं सी। ऐसे नहीं कहंदे वीरा, घर की लक्ष्मी को, घर की औरतें घर की लक्ष्मी होंदी है। सुनो परजाई जी, प्राजी आप बताइए, कितने दिन रहने का इरादा है इस बार? और इस बार हमेशा के लिए आए हसी, अमेरिका छोड़ देता।
बच्चे तो अमेरिका में हैं, उनके बिना तू कैसे रहेगा? जी हर साल उनानू मिलने जावेंगे और छुट्टी बेचे वो लोग हमसे मिलने आवेंगे। विजय अमेरिका बीच रहते हुए भी हमारी आत्मा तो अड्डे लोगों के बीच ही रहती है, इसलिए हमने अमेरिका छोड़ दिया 30 साल बाद। हाँ बीजे 30 साल बाद अमेरिका नू कल्चर में अपना नहीं सका। तो अनु की पता अमेरिका बीच मैंने कैसे कैसे दिन काटे। वो पिंड भी जमीन है ना, उस पे अपना हक जमाने आए हो। अरे हक कैसा सुखी, रुपया तो मैंने ही भेजा था ना, जमीन तो हम सब की है। अरे एक टुकड़ा बेचकर घर बनवा लेंगे, फिर सब आराम नाल रहेंगे। मनविंदर 30 साल पहले मेरा पुत्र मुझसे ले लिया, अब जमीन हड़पने आ गई, ये सब तू करवा रही है। मेरा पुत्र ऐसा नहीं था कंजरिए। आप ही ने तो कहा था बीजी कि संभाल मेरे पुत्र को, तेरे हवाले कित्ता, अमेरिका में इन्नू पक्का करा दे, डॉलरों से पिंड के पिंड अमीर हो गए हैं, इसकी कमाई हमारी भी गरीबी हटा देगी। गरीबी तो हट गई पर रिश्तों विच ठंडक पै गई। बात मत बना, मैं सब जानती हूँ, तो जमीन छीनने आई है कंजरिए। हम कुछ छीनने नहीं आए हैं, आप लोगों के दिल में थोड़ी सी जगह चाहते हैं। सालों से आपकी नाम की माला जपने वाला आपका पुत्र आप लोगों के साथ रहना चाहता है। मंजीत और मनविंदर के लिए बहुत तकलीफ भरे रहे, सबने उनसे बोलचाल बंद कर दी थी। मंजीत अपने ही घर में अजनबी बन गया था, वो घर जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आया था। मनविंदर का गुस्सा मंजीत की बेबसी देखकर शांत हो गया था, वो उसके लिए चिंतित हो उठी। परिवार के प्रति उसकी भावनाएं मनविंदर से छिपी हुई नहीं थी, वो जानती थी कि वो अपने परिवार को कितनी शिद्दत से चाहता है, और उनके इस व्यवहार ने, इस बेरुखी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। वे दोनों खुद ही खाना बनाते, अकेले खाते, सब उनसे कटे कटे और दूर दूर रहते। मंजीत अब भी अपनी पुरानी बेजी और भाइयों के सपने देखता। सपना टूटने के बाद पूरी रात करवटे बदलते हुए निकाल देता। उसे मानसिक तनाव होने लगा था, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि माँ बाप भाई इतना कैसे बदल सकते हैं। उन्हीं जमीनों ने रिश्ते बांट दिए थे जिन पर मंजीत ने सारी उम्र मान किया था। मन और बुद्धि में संघर्ष चल रहा था, कभी मन अर्जुन बन रिश्तों की दुहाई देता, तो कभी बुद्धि कृष्ण बन हक की लड़ाई को प्रेरित करती। अगर रिश्ते आंखों पर पट्टी बांध लें तो उन्हें खोलना ही पड़ेगा। उसके अंदर महाभारत का युद्ध चल रहा था। भावनाएं कौरव बने रिश्तों के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। उसका कसूर क्या था? रिश्तों को हद से ज्यादा चाहना, क्या उस चाहत में सब कुछ भूल कर खुद को मिटा डालना? संबंधों के लाक्षाग्रह के जलने से अधिक वो परिवार के बदलते मूल्यों से आहत हुआ था। मंजीत एक रात पानी पीने उठा तो नीचे के कमरे में उसे कुछ हलचल महसूस हुई। पता नहीं क्यों उसे कुछ शक सा हुआ। बीजी मेरी गल सुन, मंजीत तेनु समझा बुझा कर वापस भेज दे, वरना हम किसी से बात कर चुके हैं,
ओ पुलिस दे नाल साठ गाड़ दी अपनी। पुलिस इस केस नू एवे बनाएगी के एथे आए एनआरआई की पुरानी दुश्मनी चलते कत्ल विच दसना है। इस दे विच केस कमजोर पाएगा और रफा दफा हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था की है बीजी के एक भी सुराग ना मिलेगा, फिर चाहे अमृता की सरकार आकर ढूंढे। मनजीते मानेगा नहीं, तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? दर्द नहीं, दिल टूट गया है। क्या हो गया सरदार जी? अपनों ने तोड़ा है, जो कुछ सुना है अगर वो सच है तो यकीन नहीं होना। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या सुन लिया आपने? ना कुछ सुनना है ना कुछ जानना है, सामान चुको चल। तो सरदार जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ जाएंगे इतनी रात को? हमें रात को ही जाना है, अस्सी अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे। मनु अपनी चिंता नहीं है, मुझे तेरी और तेरे बच्चों की चिंता है। सरदार जी ले चल मैनू यहाँ से, ले चल मैनू यहाँ से। मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं समझ गई हूँ आपने क्या सुना है, अच्छा हुआ आपने अपने कानों से सुन लिया। मैंने तो बहुत पहले ही से अंदाजा लगा लिया था, मैंने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। समझ चुका, समझ चुका। उठो, उठो, उठो। आराम से सरदार जी, बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, बैठ जाइए। भैया थोड़ा सा पानी मिलेगा?
सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाओ आप, टेंशन मत लीजिए। कैसा लग रहा है अभी आपको? तबीयत तो ठीक है? ये थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पानी पीजिए। चिंता मत करिए, थोड़ी देर में हम लोग सड़क के पास पहुंच जाएंगे, वहां कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा हमें आगे तक जाने के लिए। जरूरी कागज, सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट मैंने सब बैग में रख लिए हैं। जो छूट गया सो छूट गया, कपड़े लत्ते जूते चप्पल असी अमेरिका जाके फिर खरीद लावेंगे, चिंता ना कीजिए। जो छूट गया वो छूटना ही था, मैं ही नादान था जो अमेरिका से सब कुछ छोड़कर उनके लिए आ गया। तू मुझे समझाती रही और मैं कभी नहीं समझ पाया। सरदार जी, इतनी चिंता ना पालो, अब हम अपने बच्चों के पास जा रहे हैं ना, वही हमारी जिंदगी है। तेरी बातों को अनसुना कर मैंने हमेशा तुझे पराया समझा, पर बात की ही बेचैनी है। उस जमीन को मैं कभी अपना नहीं पाया और इस जमीन ने मुझे ठुकरा दिया। समझ नहीं पा रहा हूं आखिर कौन सी जमीन अपनी है, कौन सी जमीन अपनी। उठो उठो, चलो चलिए। आप भी उदास है ना मेरी तरह? आपको भी मंजीत का ये सवाल बेचैन कर रहा है ना कि कौन सी जमीन अपनी? आप भी तलाशिए इस प्रश्न का उत्तर। यह थी हिंदी की चर्चित लेखिका सुधा ओम ढींगरा की कहानी कौन सी जमीन अपनी। अब मैं चलती हूँ, आपसे जल्द ही मिलूंगी किसी दूसरी कहानी के साथ और ले चलूंगी आपको उस कहानी के सफर पर। तब तक के लिए मैं सोनी पटेल आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।